तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य संयुगम नमो विष्णु जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवे अजलम्बितभुज विश्वंबर दिशर जगधर्म पाल वंदे जगत्रेन्द्रनंद बिंद सकल देवतेवादि सपरचरणारविंद मनरे राधिका कृष्णचंद्र वागी साजस्य वदने लक्ष्मी जस्वास्य भक्तसि जस्वास्ते हृदये संवित्तं स्मरामि यं प्रभजन्तमनुपीतमपीतकृत्यङ्गैपायन विरह कातराजुहाप पुत्रेति तन्मयतया तर्वभिनेति तं सर्वभूतोदयं मुनिमान तस्मै भक्ताभिहीना पुरातलग्ने खिक्तश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्ना वन्दे नमस्ते चरणारविन्द नीलाञ्चल निवासय नित्या परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे सर्वदमदे गुरुपाद पदम विष्णुपाद अष्टमी महर्षि का अशत अभय सूचन कमल नाई जदि फट्टा तुलसी कणा तुलसी पत्र ही तो पुजारी परफेक्ट पुजारी तक भगवान चरण अर्पित कर हरिकथा भाषा दी आम कहीपर टे पढ़ मन रखी मेमोरइज कर किंतु बाबा महाराज कह अप्राकृत वस्तुर शब्द द्वारा आम अन्वेषण करवा अर्वाचीन प्रति अनुभवीर कथा ही अनुभवी अनुभव कथा प्रतिपादन कर बहुत सुंदर आम पद्मनाभ महाराज कहले जोड़ा कि शिक्षणीय formula is same it is applicable it depend upon the applicant sutra gote aya taku je byabahar kare se paibo ki grihi ki tyagi there is no any difference
तफात किछ नै सूत्र गुजे पाला चैतन्य महाप्रभु फिलोसफी महाप्रभु का दर्शन सिद्धांत को जे जीवन रे अनुप्राणित करेला जे जीवन रे पर्यवेक्षित करे पाला जे तक परिपालन करि पाला सही स्वाद को अनुभव करि परियो आमे त कहि परे बहुत किछि खुशी की मन रखि कि चमत्कार वर्तमान रो प्रीचिंग तो वर्तमान रो नगर संकीर्तन लाइक ए रोड शो वर्तमान रो प्रीचिंग लाइक ए स्टेज शो प्रचार और अमर जो नगर कीर्तन भंगी खाली समाज को फटका दवा कथा किंतु वास्तव रे ए जो महानुभव मान बसचंती एमान कर मुखार भी जदि किछि अमृत होय वीरजवती कथा जो के तांकर अंतकरण मिश्रित होए सेई कथा जदि हमर कर्णगर निपतित होय अंतकरण प्रवेश करिवो ताले हमर आत्यंतिक क्षम साधित होवो काहेकि ना अनुभवी मान कर कथा रे किछि मर्यादा अछि भाग्यता तो बहुत करि पारंती कथा द्वारा लोक चमत्कृत करा कथा द्वारा लोक बसीभूत करा कथा द्वारा लोक बांधी रखा ये तो मनर विकार है मनर चमत् बुद्धि खेल किंतु भारी कथा से कहते जो मान बुद्धि बाहर नहीं जो मान हृदय भाषा बाहर हृदय भाषा वाला हरी कथा भगवान भक्त मान कथा कुकुर महाराज बहुत शिक्षा दे शिक्षार अंतराल मन पड़े से परम पूज्य गुरुवर्ग आम वैखानी समाज कथा से कहते गुरु वैष्णव लंघन प्रतिष्ठा सा अतिरिक्त अर्थ बहादुर गरम पतन कारण खाली आस्वादन कर भजन कर पतन कहीं कहे महाराज ही कहे पतन कारण से महाराज कहते गुरु वैष्णव लंघन जो मैंने करिए जो मैंने ओवरटेक करिए गुरुदेव को वैष्णव मान को जो मैंने सब वाले जहाँ किसी करते अंतर जो मैं डिजायर थे खाली प्रतिष्ठित हाँपे निजी को प्रतिष्ठा करने भगवान को प्रतिष्ठा ना गुरु वैष्णव लंघन प्रतिष्ठा सा अतिरिक्त अर्थ अनएक्सपेक्टेड माने पूरा अतिरिक्त अर्थ अरे भाई जति आवश्यक सेति करियो अतिरिक्त अर्थ पर व्यापार आरंभ करिवा ए जो बहादुरी ना जे गर्वी जो महाराज कहले आर गर्व जहाँ तक अच्छे से तार पतन होगा ये सब असंभव है देर इज नो वॉट एवर मे बी से जे होना कहेंगे वह महाराज खाली कहते से जिते उच्च स्थिति थी तार पतन से भयंकर हम जी कम स्थित थी स्टेज पाखु तले पड़ जा कम उच्च आघात लगे सीढ़ी ऊपर पड़िया छात ऊपर पड़िया बड़ा आघात लगे छोट मुहर बड़ कथा कह रहा अधिकार नाई मुखार केन्द्र निश्चित चर्बी चरण आस्वादन कर अनुभव हुए पाखे महात्मा बस अनुभव सत्य बस इंस्पायर करती कथा ही मुझे मत आदेश है अमरीश महाज भाया जन महान भव अतिमर्त्य महाभागवत भगवान ऐकांतिक भक्त अनन्य शरणागत से कृत चरित्र महाभागवत कथा को कीर्तन करने जदिओ मोर कौन योग्यता ना तथा समय भितर मु कथा श्रवण कर चेष्टा कर सब महाराज मान चरण मोर प्रार्थना आदेश करूँ कहीं मो जीवन में बोध एक प्रकार महानुभवों पाखे बस कथा कर प्रथम यहाँ मुझे तो सब कैमेरा पाख लुचि रहे कथा पाख लुचि रहे मुझे लोक सबको निजी प्रतिष्ठा कहीं मोर से योग्यता भी नहीं जदि भय लगे लोक सम्मान करेंगे प्रतिष्ठित हो पारे लोक सम्मुखें तो मो निजर नष्ट हो जड़ प्रतिष्ठा शुक्र विष्ट गुरुपाल कहते जदि खाली भाषा आसो अंतकर्ण प्रवेश न कर जीवन तो दुहसास हो महाराज जी कहते अरे साधु बन बनने के लाए साधु बन कर देखा कितने उच्च कोटि कथा कहते मार बाबा महाराज खाली वास्तव में साधु आसचे घर द्वार छाड़ी कमी साधु हवा से प्रार्थना कर अमरीश महाराज कथा नवस्कंदे जी कि मनुवंश कहला मनुवंश मनु पुत्र विवशत मन भविष्य मनु पुत्र नभाग प्रभाग पुत्र से नाभाग जी की तांकर पुत्र मान को मते जने जे नाभाग की जे जाई थले तपस्या करिया पाई विशेष कर गुरुकुल से रही थे कि जब से गुरुकुल प्रत्यावर्तन करते नाभाग प्रत्यावर्तन करते भातृवर्ग कौन कले भर संपत्ति भागवंटा हो जाता से मैंने कहे देख आम तुमको भूली जाइए तुम्हारी कथ तुम त्यागी बुलाइए किए जान तो मत फेरी आसो तेणु आम समस्त संपत्ति आम निज निज भर भाग बांटी देचु केवल तुम तुम बापा को रखी देचु आम बापा यहीटा हूँ आधुनिक सांप्रतिक समाज आदर्श पुत्र मान विलक्षण चरित्र आज्ञा जो मैंने निज निज भर संपत्ति आत्मसात करती कि पिता को भाई भाग दे दिखती अरे पुत्र तो से पितार आदर्श अनुप्राणित पिता संपत्ति समस्त अधिकार अच्छी
भौतिक जगत प्रापंचिक लौकिक जगत अवांछित संतान मानकर अधिकार समान दरकार बले कोर्ट भी जाते पिता संपत्ति अधिकार भूत हो सब्यस्त करने किंतु से पुत्र पुत्र पद बाच्य पितार आदर्श निजर संपत्ति विवेचना करे तेणु नवाब महाराज कौन कले से ग्रहण कले बापा कले देख ते बचा चिंता करनि मु तुम पर रोजगार व्यवस्था करुच्ची अग्रसर गरीब ब्राह्मण मान सब यज्ञ करमें जाओ से प्रत्येक षष्ठ दिवस किसी गोटे सूक्त को भूल पाठ करमें से शिक्षा दि से यज्ञ समर्पण के अवशिष्टांश समस्त धनरत्न को तुमको समान अर्पण कर सर्वाभिमुखी पिता आदेश मुताबक से जा यज्ञस्थल की आर भूल त्रुटि को मार्जना कर संतुष्ट चित्र समस्त यज्ञ अवशिष्टांश को से प्रदान कर उत्तम तर चलिए सरकार जितने सब सामग्री को नहीं आसमें उत्तर दिग्वर जो कला पुरुष प्रकट हेले कहले खबरदार ये सब मोर ये कहे अरे महाराज ये तो मोर और पिता मत आदेश करते ना ना तुम जान ये सब प्रत्येक यज्ञ अवश्य भाग हो मोर तुम तुम पिता को पचार बुझ तुम तो बर्तन ना बाड़क किसी जान ठीक अच्छे महाराज से चलने पिता को समस्त समस्त घटना कहले पिता श्रवण कहले कहले से कहीं दक्ष दक्ष यज्ञ समस्त ऋषि मान समस्त विप्रदेव मान एक निर्णय करते यज्ञ अवशिष्टांश रुद्रदेवता रुद्र भगवान तेणु जो काल पुरुष आसते उत्तर दिग्वर से रुद्र भगवान तांकर अधिकार अच्छे ये नवाग आसिक चरण प्रार्थना कर शंकर जे हे रुद्रदेव मरी मु बुझी पार नी आपको मुझे जान पार नी मत क्षमा करूँ आपको वस्तु आप नहीं जाते मोर त्रिकोण अधिकार ने पिता आदर विनम्रता एक प्रकार निष्कपट भाव को संदर्शन कर रुद्रदेव प्रसन्न चित्र कहले बच्च तुम ये सब नि तुमको ब्रह्मज्ञान भी शिक्षा देपर ब्रह्मज्ञान भी प्रदान कले फेरी आसर हूँ आम आज चरित्र जी की महाभागवत तिमर्त्य भगवान ऐकांतिक अन्य शरणागत जे कि महाभजन कहले अत्युत हम ना जाते पदम पथे पथे आम निज जीवन को चरितार्थ कर मार्गदर्शन कर जगत को भजन का आज भगवान की भजन करे अमरीश महाराज अमरीश महाराज जी सप्तर अधिपति कहला सप्तप अधिपति महिम जी कहे कि समस्त ऐश्वर्य अधिकार हेले जो ऐश्वर्य कहला अभ्यंच लब्ध्याश्रिय विभवं च अतुलं भवि जो एत ऐश्वर्य महाप ऐश्वर्य अधिकार हुई अतुल ऐश्वर्य अधिकार हुई सुसागर धरित्र सप्तर सम्राट हुई से देखिले ये सब तुच्छ नष्ट से त्याग कले कहे ये सब मोहर कारण ये समस्त धन हूँ बंधन कारण ये पतन रण पूर्व कहते ना अतिरिक्त अर्थ पतन रण वास्तव में आम समस्त धन पथ धावित होचे प्राय लोक मान चिंताधारा बर्तमान किसी धन उपार्जन करा किसी डिपोजिट करदे से आम डेस्टिनेशन से गोल ऑफ दिस आवर लाइफ कितने यहाँ नुह धन अधिक कौन अधिक महाराज जी कहते सुंदर कथा कहते धरतु धन आम अधिक होगा आम खाऊे आम डाइट दुईटा रुटी दुईटा रुटी खाऊे कि गोटे प्लेट चाउल खाऊे अन्न खाऊे जी धरत आम करोड़पति होगा कौन चार रुटी अधिक हो पारे ना छा दसटा अधिक रुटी खाइबा से ही खाद्य तो अधिक खाले डायसन हम डिसेंट हो डायरिया हो डक्टर पा दिए खाद्य भी सीमित खाद्य दरकार पड़े से घी पेय लगे पारे ठीक अच्छे पोषाक पिंचे कौन पिंचे वस्त्र भक्ति ठाकुर साहब कही गोटे सभ्य समाज सभ्यतार लक्षण सभ्य भद्र लक्षण है गोटे लज्जा निवारण करने गोटे सुंदर पोषाक परिधान करें जदि करोड़पति जाए कौन दि चार सार्ट एक पिंधिया ना कौन दि चार गोटे तो सार्ट पिंधिया ना ना करोड़पति दि चार सुट बोट एक पिंधिया अरे भाई पोषाक भी सही गोटे खाद्य भी सीमित रहा पोषाक भी सही प्रकार धरतु ना ना महाराज तार टा तो आम निजे भाव ये आमरी टा तो निजे देख बैंक अच्छे भावुच मनरे भावुच ये बैंक इंडियान ओवरसीज जो बैंक मोर टा अच्छे जदि भाविले तो मतलब सुख मिले भाविदन सुस्मृतर जिते टाँग मोर अच्छे जदि भावनार सुख मिले भावित समस्त ब्लाक टाँग मोर ब्लाक नी मोर भाविले तो सुख मिले कहार अर्थ कहार अर्थ हूँ धन का सुख दिए ये अमरीश समाज बुझी जो मैंने सुकृत मान जानते वास्तव में धन पक्ष
ଲୋଲୁପତା ମହାରାଜ କାଲି କହୁଥିଲେ ଲୋଭ ଏଇ ପ୍ରକାର ଲୋଭ ହିଁ ପତନର କାରଣ ଏଇଥିପାଇଁ ଅମରେଶ ମହାରାଜ ସର୍ବସ୍ୱ ସବୁକିଛି ଅନାସକ୍ତ ହୋଇ ନିଜର କର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରୁଥିଲେ ଭଜନ କରୁଥିଲେ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରୁ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ମତରେ ଗୌଡ଼ିଆ ମଠ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଯୋଡ଼ି ଅହର୍ନିଶି ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ସତତ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ରୂପ ଅଗ୍ନି ପ୍ରଚଳିତ ହେବ ସେଇଠି ଭବର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ ହୋଇଯିବ ସେ ହେଉଛି ଗୌଡ଼ିଆ ମଠ ଯେଉଁମାନେ ମହାଭାରତ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରକାର ମଠ ଗୁରୁ ସ୍କୁଲିଂ ଗୋଟେ ବାରୁଦ କହିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହେବନି ବାସ୍ତବରେ ଏବେ ଗୌଡ଼ିଆ ମଠ ଏଇଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ପ୍ରଭୁପା ଯୋଡ଼ି କହିଛି ଅହର୍ନିଶି ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ରୂପର ଅଗ୍ନି ଭଗବାନଙ୍କର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ରୂପ ଅଗ୍ନି ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିବ ସେଇଠି ମଣିଷ ତିଆରି ହେଇପାରିବ ସେଇଥିପାଇଁ ଅମରିଶ ମହାରାଜ ବୁଝିପାରିଥିଲେ କଥାର ମର୍ମ ସେ ବି ତ ମହାଭାଗବତ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତେଣୁକି ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ବାହି ସବୁକିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଶସାଗର ଧରିତ୍ରୀର ସମ୍ରାଟ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅପାପ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଭଗବାନର ଭଜନ ଛାଡ଼ୁନଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କର ବିଲକ୍ଷଣ ଚରିତ୍ର ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି ଗୋଟେରୁ ଦୁଇଟା ସ୍ତ୍ରୀ ନଥିବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ତିନିଟା ଛୁଆ ଥିବେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଗୋରୁ ଭାଇ ଥିବେ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ ଦୁଇଟା ଘର ଥିବ ତଥା ଆମେ କହୁଛେ ମହାରାଜ ସମୟ ନାହିଁ ଆରେ ଭାଇ ଦି ହିଁ ଆମର ବୋକାମି ଏତେ ବଡ଼ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ହଜାର ହଜାର ରାଣୀ ଥାଇ ମଧ୍ୟ କେତେ ବଡ଼ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ତାଙ୍କର ପରିବାର ସବୁ କିଛି ହେଇ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ କେଉଁଥିରେ ଲିପ୍ତ ନାହାନ୍ତି ନିର୍ଲିପ୍ତ ନିର୍ବିକାର ଭାବରେ କେବଳ ସେ ଭଗବାନର ଭଜନ କରିଛନ୍ତି ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନର ସୁଖ ଜାଣେ ନା ଆଜ୍ଞା ସାରା ଜଗତର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ସେ ଚୁକାର ମାରିକି ଚାଲିଯିବ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଛନ୍ତି ଆଭିଜାତ୍ୟକୁ ଅହଂକାରକୁ ଅଭିମାନକୁ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଦ୍ୟାକୁ ଭୌତିକ ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଯିଏ ଠୋକର ମାରି ପଦାଘାତ କରି ଯିଏ ଯାଏ ସେ ହିଁ କେବଳ ଭଗବାନର ଭଜନ କରିପାରିବ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଯାଇଥିଲେ ଗୌରକିଶୋର ଦାସ ମହାଜ ମହାତ୍ମା ଆଶ୍ରିତ ହେବା ପାଇଁ ଗୌରକିଶୋର ଦାସ ମହାଜ ମହାତ୍ମା କହିଥିଲେ ଦେଖ ସୁନୀତି ଔର ସୁନୀତି ଔର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ହରିଭକ୍ତିର ଥାକ୍ତେ ପାରେ ନା କହିଲେ ସୁନୀତି ଆଉ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ନୀତିବାନ ସ୍ୱାର୍ଥବାଦୀ ଯେଉଁମାନେ ବିଶେଷ କରି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଧନୀ ମାନି ଗର୍ବୀର ବଡ଼ ଅଭିମାନ ଦିନେ ଅଧିକ ଯାହା କରେନ୍ ଗୌର ଭଗବାନ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଭିମାନ ଅଛି ସେମାନେ କେବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜନ କରିପାରିବେନି ସେଥିପାଇଁ ଅମରିଶ ମହାଜ ଜୀବନରେ ଦେଖାଯାଇଛି ସେ ସବୁକିଛି ଖାଇ ମଧ୍ୟ ଭଜନ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି ଏପରିକି ଯଜ୍ଞ କରି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ସମର୍ଥବାନ ଋଷିମାନଙ୍କୁ ଯଜ୍ଞରେ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଭଜନ ଛାଡ଼ିନାହାନ୍ତି ନିଜେ ଭଗବାନଙ୍କର ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ଭଜନ ସେ ଛାଡ଼ିନାହାନ୍ତି ଭଜନ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାପରେ ବୃନ୍ଦାବନ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ଏକ ବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ଦ୍ୱାଦଶ ପ୍ରଧାନ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ଋଷିମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବ୍ରତ ସମାପନ ହୋଇଛି ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ତିନି ରାତି ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଉପବାସ ରହିଛନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଅବସାନ୍ତେ ତିନି ରାତି ଉପବାସ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ସେ ପାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଭଗବତ ଇଚ୍ଛାରେ ହଉ କି ଅମରିଶ ମହାରାଜଙ୍କର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟତାକୁ ଜଗତରେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବା ପାଇଁ ହଉ ଭକ୍ତର ମହିମାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ହଉ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ଭିତରେ କି ପ୍ରକାର ସମନ୍ୱୟତା ଅଛି କି ପ୍ରକାର ଭଗବାନ ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ଭକ୍ତଙ୍କର କିଏ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର କିଏ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଅପୂର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି ଆକୁ ଜଗତରେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବା ପାଇଁ ବୋଧେ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ଦୁର୍ବାସା ଯିଏ ଆସିଲେ ତାପରେ ଆମେ ଶୁଣିବା ଦୁର୍ବାସା ଚରିତ୍ର ଥାଉ ଆଗକୁ ଟିକେ ଯିବା ଅମରିଶ ମହାଜଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ କେମିତି ଭଜନ କରୁଥିଲେ କୁହାଯାଇଛି ନାରଦଜୀଙ୍କ ମତରେ ଭକ୍ତିର ଯେଉଁ ଡେଫିନେସନ୍ ଅଛି କୁହାଯାଇଛି ସ୍ୱରୂପାଦିକ୍ତରତେ ଏହି ପ୍ରକାର ଋଷିକମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଧିପତିଙ୍କର କେମିତି ସେବା କରାଯାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଭକ୍ତି ଯେଉଁ ନାରଦଜୀଙ୍କ ମତରେ ସେହି କଥାକୁ ଆଦର୍ଶ ରୂପେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିପାରିଥିଲେ ଆମର ଅମରିଶ ମହାରାଜ ସବୈମାନେ କୃଷ୍ଣ ପଦାର ବିନ୍ଦେ ବଞ୍ଚାଶୀ ଗୁଣାନ ବୈକୁଣ୍ଠ ବର୍ଣ୍ଣନେ କର ହର ମନ୍ଦିର ମାର୍ଜନା ସୁତି ଚକାର ସଚ୍ଚିତ୍ତୋଦୟ ମୁକୁନ୍ଦ ଲିଙ୍ଗାଳୟ ଦର୍ଶନ ଦୃଶ୍ୟ ତଦ୍ଭୁତ ଗାତ୍ର ସ୍ପର୍ଶଙ୍ଗ ସଙ୍ଗମମ ପାଦ ଘ୍ରାଣାଞ୍ଚ ଘ୍ରାଣାଞ୍ଚ ତତ୍ପାଦ ସରୋଜ ସୌରଭେ ଶ୍ରୀମତ ଲସଙ୍ଗ ସନାଙ୍କ ଦର୍ପିତେ ପାଦ ହର କ୍ଷେତ୍ର ପଦାନ ସର୍ପଣେ ଶିର ହୃଷିକେଶ ପଦା ବିବନ୍ଧନେ କାମାଞ୍ଚ ଦର୍ଶନ ତ କାମ କାମୟା ଯଥୋତ୍ତମ ଶ୍ଳୋକ ଜନାଶ୍ରୟ ରୁତି ଏହି ଶ୍ଳୋକରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ମନକୁ କି ପ୍ରକାର ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣ ଅର୍ପଣ କରିବା ସବୈ ମନ କୃଷ୍ଣ ପଦାର୍ବିନ୍ଦ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପୁରୁ ସେ କହିଲେ ପ୍ରଥମେ ମନକୁ ଅର୍ପଣ କର ମନ ହେଉଛି ମନ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ କାରଣ ବନ୍ଧ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ତ କାରଣର ବନ୍ଧନର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ମନ ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ ମାରାତ୍ମକ ସେ
मन को जो मान भावती टिके टिके भजन करी टिके टिके सत्संग साधु सेवा करी टिके टिके कोन करदे भाबले मन को इंद्रजीत हेगलो जय करदलो दुर्भाग माने एक प्रकार विचार कले काहेकि ना मन होची चतुर व्याध चतुर व्याध जो प्रकार थाए से लुचि गिरो जो काले शिकार न मिलियो बोले शिकार भीतर भाबियो जा शिकारी कर चली गला तापर तो से बाहर को मैदान गासियो चतुर व्याध पश्चात पत्र शरण के पर ताकु मारिया पे एई प्रकार मन को टिके टिके भजन कर जो हम किछ मन को जय कर देली बा बाकी छुट हे गेले दुर्भाग्य सने आउ से चतुर व्याध रूप सदृश मन पश्चात पत्र को सरागत करियो मन रा आउ स्वरूप छ बेस्या लाइक ए प्रोस्टिट्यूट बेस्या जो प्रकार समस्त ग्राहक को संतुष्ट करे पैसे अपन चेष्टा करे कि तथापि से निजे तरतर्त होए नहीं एक प्रकार मन को जेते देले मधे नियम टाके सारा जगत रो समस्त ऐश्वर्य सारा ब्रह्मांड रो समस्त प्राचुर्य सारा जगत रो जेते सब सब किछ भोग्य वस्तु यदि का समर्पण करा जो तथे ता मन अशांत क्षिप्त होई रहइबो काहे कि ना मन रो स्वरूप होच से प्रकार एथि पे समस्त शास्त्र रे सब किछ मन को मन ऊपर बहुत फिलोसफी लिखाय छे मन को मन ऊपर घोषणा करा जाय किंतु वास्तव अमृत महर्षि कथा कहते चैतन्य महापुरुष से कथा कहते से मन को केवल भगवान को चरण अर्पण कर सबई मन कृष्ण पदारविंद भगवान को चरण कल्पते मन को अर्पण करो ताले इंद्रजीत कर सबई मन कृष्ण पदार बिंद वाचा सी गुणान वैकुंठ वर्णने अरे जदि कथा कह रहे छे ताले भगवान पे कथा को हजार मुख रे कथा नहीं ता मुख तो में देखिबो नहीं जार मुखे भाई हरि कथा नहीं तार मुख तार का छत में जयो ना जार मुखे देखी भूले जाबो हरि तार मुख तो में जयो ना जार मुखर हरि कथा नहीं ता मुख को देखिबो नहीं आ ता पाकु जीवो नहीं आ जा मुख को देखिले भगवान भूलियो छे ता मुख चाहि तुम पिदा बता परम पूज्य राम सुदास से कथा कहते यदि के लोक तां पा बुझाए मत बहुत बल लागे ता करे चरित्र सुनला परे यदि के जाए दर्शन करे पंदे को से कहते अरे भाई क्यों आए हो ना महाराज आपको दर्शन करने के लिए आए ठीक है बैठो विराज कुछ हरी कथा को अरे से बिचरा कौन कैसे ता अपना दर्शन करे पे आसी ये के ठीक तुम तो किसी कोई पर नताले मु को जी सुनो तथापि जैसे निरुत्तर हो गेला अरे महाराज जी तुम तो हरिकथा कोई पर नो हरिकथा सुनी पर नो जाओ तुम भागो तुमसे कोई मतलब नहीं है साधु तो सही माना गया साधु जुमान को फकर हरिकथा ही कथा मात्र ही को जीवन कथा ही जुमान को जीवन कौन सी जागतिक रो जागतिक प्रापंचिक भौतिक लोक विचार जुमान प्रतिष्ठित होती नहीं जुमान को कौन सी मानसिक वाचिक वायिक मेंटली फिजिकली ओरली कौन सी एक्टिविटीज मान कर जगत पाई नहीं केवल भगवान को पाई सीमाने वास्तव संत पद वाच्य कृष्ण का भक्त बनकर कृष्ण के लिए कृष्ण का भजन करने चाहिए ये तो हमारी समस्त आचार्य आर्य संस्कृत आचार्य मान कर ये तो मंजी है क्या भगवान का भक्त है चाहे मैंने सत्य कथा तुलसी माला धारण कर चे सतगुरु आशीष दे चे ये हुआ हमारी सुकृति वा महान भक्त अहित की कृपा भगवान का भजन कर चे हरे कृष्ण महामंत्र जप कर चे महाराज के लाया किंतु माडक होचे आमे कटि जाउचे आमे करूचे आमरी पाई आम निज पाई सुसुख कामना ताको तो काम कर लागि नै प्रेम नै भगवान को भजन करे जदि भगवान को पाई ताल से प्रेम पद बाचो जो माने एई विचार धरे प्रतिष्ठित होई चलती से मान कर भजन रो मार्ग सुष्ट परिष्कार परिष्कृत होई छी आसीमान को जीवन धरा देखे प्रभुपाद मते रे छने निष्कपट हितांती निर्विमान हितांती निरहंकार हितांती स्वतंत्रता तांगो जीवन देखा जाय ने सब बोले गुरु भगवान गत रे के सोनी गुटे जीवन सिद्धि प्राप्त हितांती प्रभुपाद जी को गुटे जन्म रे किनी भगवान पायो गुटे जन्म रे किनी भगवान पायो समस्त को भगवान भगवान गुटे जन्म रे भगवान पायो एकमात्र मार्ग देखे छन जे हमर से महापुरुष से कहते कौन जगत गुरु कहते देखो निर्भिमान निश्चर्थ पर निरहंकार गुरुवान गत्य स्वतंत्रता परिहार पूर्वक जो मैंने भगवान कर प्रीति पाई भगवत भजन करती मैंने गोटे जन्म सिद्धि पाइजे कि दुर्भाग्य मो निज कथ कहे गोटे गोटे पदर मुझे कटिजी किसी ना अभिमान आस टे भजन कल आरे बहुत बड़ी कर अहंकार आसी जाऊँगी पूरा अभिमान अहंकार आसी जाऊँगी स्वतंत्रता निजे निजे रही निजे नहीं किसी करिया पे चाहते निजे को प्रतिष्ठित करिया पे गुरुवर प्रतिष्ठा में चाहने किंतु अमृत समाज में विचार एक प्रकार नहीं प्रत्येक पदे पदे से देखिए आचार्य मान को विचार धारा से निजे प्रतिष्ठा कर चंदी सब कथा एक सबो जहां भी प्रति कथा एक कहते गोर हर मंदिर मार्जिन से निज हस्त से झाड़ू कर झाड़ू कर रोसई कर सब कर निज हस्त भगवान फूलमाला
गुतुचारे सेवक आजिकल बड़ बड़ जो मैंने बहुत बड़ बड़ धनी दानाटी व्यक्ति मैंने मंदिर करेमफिल्ड मार दिखते कितना निजे सेवा करती ब्राह्मण को एपॉइंटमेंट करते सेवक जाओ तुम्हें कर भाई ये कितने सेवार पदवाचे शिखा तुम अम्बरीश जी पाक सेवा क्या कर प्रभुजी कह सेवा दिवस भगवत सेवा होची आत्मार स्वाभाविक प्रवृत्ति स्पॉन्टेनियस फंक्शन ऑफ द सोल इज द सर्विस ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी स्वाभाविक प्रवृत्ति आत्मार भगवान का सेवा आत्मार स्वाभाविक प्रवृत्ति है जल धर्म होती निम्नगामी धूमर धर्म होती ऊर्ध्वगामी आत्मार धर्म होती परमात्मा अनुगामी यही धर्म जो प्रतिष्ठित से वास्तविक प्रभुपाद गण से चैतन्य महाप्रभुकर गण बाकी समस्ते बाउंड्री लाइन पार अमरीश समाज यही धर्म थी रसिक भक्त अन्य शरणागत भक्त से निज हाथ से झाड़ू मार्च निज हाथ में रोष कर सृति चकार चित्सोदय सब कर्ण से बाह्य जगत कथा शुणुले भगवान कथ ही शुणुले से हरि कथा श्रवण करुले अन्य कौन कथा कि शुणु नुले से आम कौन करे कौन कहला कि तुमा के कबे कि कथा बोलने से कथा धरले आर कि चलिए अरे आ संपदे विपदे राखिबे जे पदे तार पदे के न भवना जे आ रक्षा कर प्रति मुहूर्त रे तांकर कथा के चिंता करनो के कोन कोइला सेड काई माइंड भीतर मेमोराइज करछो रे रिमाइंड करछो जेते सबसे दहा भी सुनले भगवान कथा सुनले से छुट्टिंच कारा छ सब सब मुकुंद लिंगालय दर्शन दिशो शक्ति दर्शन भगवान के विग्रह दर्शन करले वैष्णव दर्शन करले तीर्थ दर्शन करले भागवत दर्शन करले शक्ति दर्शन जगत रा ऐसो समस्त जोगी मान ईश्वर सर्वेश्वर जोगेश्वर कृष्ण करतलगतर चमत्कार अति तुच्च नगण्य गौड़ वैष्णव मान तो बाहर को देखा मुंडित मस्तक अच्छा किसी न जाना देखा जाते लोक मान सम्मेलन वास्तव से महान उच्च स्थिति नाम चिंता स्पर्श कर श्रीकृष्ण नाम गुण रूपाधि न भवेद मुझे मन कर भगवान को बेले बेले बुझे कि भगवान वैष्णव मान बुझे बड़ कष्ट आज्ञा जो कृपा न कहीं जहां कृपा भगवान को बुझे जे भगवान से कृपा ही बुझाप समर्थ ये अमरीश महाज चरित्र एक प्रकार से निजे सब किसी करुले कथा भी शुणुले कथा भी कीर्तन करुले चक्षुरे दर्शन ही करुले मंदिर तापर से कौन करुले पाद घर क्षेत्र पदान सर्पण निज चरंद्र से मंदिर परिक्रमा करुले तीर्थ जाऊे महाभाग संत मान को जाऊे जदि आम जाऊे तीर्थ को जाऊे तीर्थ दर्शन करने आज कल लोक मैंने गाइड गाइड टूरीस्ट जामी जीवन बन पाए सेमती केवे जीवन जदि जीवार तीर्थ क्षेत्र वैष्णव मान सा जाओ जेसव स्थान गौर अमार करल भ्रमण रंगे शेषव स्थान हेर आमी प्रणी भगत संगे गौरांग महाप्रभु अनुगामी जो मैंने गौर भक्त चरणाश्रित जो मैंने से मानकर संग जो लाभ करवाई तीर्थ क्षेत्र जावा तीर्थर महात्म्य बुझीपर तीर्थ मान सान्निध्य लाभ कर खाली तीर्थ को जाए खाली से बाहर बिल्डिंग देखिए लाभ ना एथे पाद हर क्षेत्र पदान सर्पणे पदाभिमंदन मस्त से भगवान चरण समर्पित होते संपूर्ण शरणागत नमन होते प्रणाम करते से कामांच दास से कहे कामांच दास मस्त काम कामया जना समस्त कामना को से केवल भगवत कामना रूपांतरित करते जदि बुद्ध जी कहते कामना विनाश दुखर विनाश वास्तव यही अर्थ को आम बुझीपर भौतिक कामनार विनाश दुखर विनाश चेतन अच्छे मैंने कामना रही है आज्ञा कामना ही नीव तो जड़ पदवाच आम तो जड़ नाम तो चेतन आम कामना रही कौन भगवत कामना ईश्वर प्रत्येक कामना यही प्रकार कामना रखा तो आम सदगति हम यही प्रकार महाभागवत अम्बरीश महाज चरित्र जितने से ऋषि मान ब्राह्मण मान परामर्श से एक वर्ष व्यापी द्वादश प्रधान व्रत समापन कर त्रिरात्र उपवास रही जो तो पारण करने जाम नियम अच्छे एकादश पर द्वादश पारण कराए पारण न कले व्रत वैगुण्य हम व्रत नष्ट संभावना रही फल दोष लगे ये से पारण करने जाए भगवत इच्छा रहा पूर्व कहला
भक्त मान वैशिष्ट प्रतिपादन करने पर महान तेजस्वी महान तपस्वी महान कोपी बर आशीर्वाद देवार बर अभिशाप देवार समर्थवान से पुरुष जी की दुर्वासा जी महाराज से प्रकट हले आविर्भाव हले तो दुर्वासा अबरीश महाराज बहुत आतिथ्य स्वीकार संवर्धना कले सर्वप्रचार पूजा भी स्वागत कर आतिथ्य स्वीकार करने निवेदन करी महाराज अमर सिंह कथा से अंगीकार कर माध्यमिक कृत समापनार्थ से जमुना काली गमन कले कि भगवत इच्छा हो सी ब्रह्मचिंतन निलिप्त ब्रह्मचिंतन से पूरा लग रही समय पास होपटा अर्थ मुहूर्त बाकी अच्छी पारण समय अतिक्रांत हाँ गणेश मुहूर्त संकट अवस्था उपनीत अमरीश महाराज कौन करते विमल चित्र से प्रश्न कर समस्त सपरिकर समस्त ऋषिवर्ग मान मान कौन करेत्र मुझे पारण करी मोर अपराध दुर्वासा चरण अतिथि को आतिथ्य स्वीकार नदे निजे स्वीकार करवा यहाँ तो अपराध गृहस्थ धर्म परिचय नए साधु स्मृति निए द्वितीय अपेक्षा कर कौन करी सर्वसम्मति क्रमे महाराज निज इच्छा भी स्थिर होगा ना कौन कर जलपान जदि कर भक्षण भी अभक्षण जलपान को भोजन भी कहुए अभोजन भी कहुए समस्त अनुमति क्रमे आदेश क्रमे अमरीश महाराज भगवान के चरण सेवन कर किंतु महान तेजस्वी से सर्वज्ञ से बुझी पारे से किए दुर्वासा जानी पारे अत्यंत प्रधान से प्रकट हले कहले अरे मोर अभिमान अच्छे तो राजा रा अरे अतिथि किपर स्वीकार कर सदाचार सर्वज्ञ से कहले महाराज किसी कहना से अन्य विनय प्रार्थना करीरे धीरे 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 क्रोध क्रोध तो चंडाल लक्षण आगे ना काम क्रोध लोभ तस्मात् प्रहेज नरकर दारुण त्रिविध नरक स्वेदन दर नाशन मात्र न काम क्रोध लोभ तथा तस्मात् ए तो प्रेम कैसे ये प्रकार प्रधानित है कि कौन कले दुर्वासा जी तंकर जोग शक्ति बल से गोटे कृत्य को बाहर कले गोटे कृत्य को प्रकट कर आदेश कले जाओ मार प्रलय अग्निशब्द से कृत्य आसू भस्मीभूत करने अमरीश महाराज को कि आश्चर्य कथा अमरीश महाराज गोटे पाद ही विचलित होना निजी को रक्षा करने से टी भी चेषा करना यहीटा हूँ भगवान भक्त मान विलक्षण चरित्र निर्भीक्ष मैंने निर्भीक्ष था मृत्यु को मत सामना कर पश्चात हमें ना वास्तव से हे जो मानकर अंतकन भगवान मोर डर क्या मोर भय क्या ठाकुर साह चौ को जो मैंने वास्तव में कहते ना जो पालन कर जीवन रे अनुभव कर भगवान जे रक्षा से विश्वास भगवान जे मत रक्षा करेंगे से मैंने निज भजन के छाड़ ना हरिकथा लोक मैंने शुणु ना भजन करना निजे निरुच्छय बनाए निज भजन निज सर्वस्व तेणुक प्रपद भाषा जे भजन स्वाद जाणी से निजे ही भजन करियो कौन परिप्रेक्षी कौन परिस्थित से निजर भजन को त्याग करनी अमरीश महान निजर धर्म रही स्वधर्म निश्चित से निजी जानते भगवान मोर रक्षाकर्ता जदि दुर्वासा जी चक्र द्वारा कृत्य द्वारा जब मोर कपाल लिखन अच्छी चेस्टा कल मो कपाल मो भाग्य को खंडन करकिन निर्विमान ऐकांतिक शरणागत भक्त मैंने निज सुख किसी चेष्टा करते निज सुख बोली चेष्टा ना कर भक्ति बिना देखे प्रभु तब सुख सा भक्ति ठाकुर कहते प्रभु मो निज सुख मुझे करूनी आरे निज सुख जे कर मनुष्य पशु मान प्रवृत्ति से भगवत सुख जे कर भगवान को प्रदेश एम स्वयं भक्ति वेदांत उपाध जी से कहते स्वसुख कामना से पशु मान प्रवृत्ति एनिमल सोसाइटी कहली ह्यूमन सोसाइटी कह ना ह्यूमन सोसाइटी कहुए मानव सेवा कहुए जे मानवचित कार्य करे कि पशु पाशविक प्रवृत्ति जो उद्भूत हो कह इंद्रिय सुख जो लालायत समय से विनियोग करते जदिव मानव देखा जाती बाहर ह्यूमन बी वास्तव मन से पदा चलती आचार्य जीवन सिद्धांत वाणी से निजे कौन निजे
किछ चेष्टा करनांती तापर धीरे धीरे भगवत इच्छा रे भगवान को रक्षा करबे भक्तवत्सल भगवान को द्वारा निजुक्त सुदर्शन चक्र तांकर पश्चात चतुर आसी महाकाल अग्नि सदृश धावी दैछि कोठी मृत्यु को से नष्ट कर भस्मृत कर सला परे से शांत हेनी वरन से दुर्वासा पछर लागि गला दुर्वासा देखले एपट सपट डाय बाय आगे पीछे अरे भाई चतुर्दिक रे महाकाल सब से धावी तो पश्चात पत्र आसछि निज को रक्षा करे पैसे दौड़ले दौड़ले अनले अनले अंतरिके पर्वत गुंफा सबुदा लोक से जन तप मोह सब समस्त लोक लोकांतर को ग्रह ग्रहांतर को समस्त दिवसे गति करछन धावी तो ने पश्चात पछु देखुछन आसछि पर अग्नि सदृश माड़ी आसछि पर महाकाल अग्नि सदृश जिंदी समस्त जगत से प्रलय कर दो ध्वंस ध्वंस कर दो यही प्रकार सुदर्शन चक्र हाथ निजी रक्षा करने दुर्वासा जो प्रार्थना कौन कर स्तुति कौन कर निजी रक्षा करने से दौड़ 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 पहुंची गले क्या पाए ब्रह्मा जी के पाखे सत्य लोग ब्रह्मण कर ब्रह्मा जी चरण पात्र हे पितामह आपण मत रक्षा करंतु आज मोर समस्त तपस्या समस्त ज्ञान संस्कार हस्त ग्रस्त ए जो आसी सुदर्शन चक्र भर मत रक्षा करंतु मु आज पूरा मरी जाय पाए जाउची ब्रह्मा देखले अरे बाप बाप कहले देखो दुर्वासा मु तो पितामह ब्रह्मा किंतु जो भगवान को इच्छा जान रो भूर्भंगी मात्रे मध्य लोक ब्रह्म लोक से तो मु निजे आ समस्त ब्रह्मांड भौतिक परिप्रकाश पर नष्ट भ्रष्ट भस्मीत प्रलय हो जाए आ मु निजे को रक्षा करि परि मु तमो कोन रक्षा करे आ से भगवान विष्णु को भक्त को तमे अपराध करछ से विष्णु भक्त द्रोही को रक्षा करे मु समर्थ में क्षमा करंतु तापर चले शिव लोक पाको शिवजी को पाखु पहुंचले शंकर जी कहले अरे दुर्वासा तुम भूल स्थान पहुंची गलो कहीं मु पितामह ब्रह्मा नारद व्यास जवन जम जवन जत सु मरीचि अंगिराज महा महा ऋषि समस्त जहां कर आदेश को लोकहित कर आदेश अवरत मस्तक स्वीकार करी हमन किंकर बत पड़ी रही छु तांकर मायर आपु थे कि निजुक भी हमें बुझि पन्नो तांक माय को लंघन करि पन्नो आ तांकर चरण सित भक्तर चरण अपराधी को हमें केवे रक्षा करि परिनु क्षमा करियो दुर्वासा तमे से हरि के पाखु जाओ ये कहले चल ले सिखो भगवान के धाम सब समर्थ थिला गया ये चल ले भगवान हरि के पाखु को महाजन तो सम्मुखे कहार तो अपराधी ना मुख्य कथा उठी गुरु वैष्णव लंघन होगा पतन रण जब आदेश कर कथा श्रापन कले कही गोटे कृपा कर चलिए भगवान को पाख देखले ठाकुर जी बड़े शांतकार शांतकार सर्प उपर शयन कर शांत आज्ञा आम भगवान साप उपर शुचे शांत कि प्रकार विलक्षण चरित्र देखने झारखंड रे महाप्रभु प्रचार कले हिंस्र जंती को हिस्त्री को स्वभाव भी दीर्घूत करदे हरे कृष्ण मंत्र द्वारा व्याघ्र कृष्ण कृष्ण कहीं व्याघ्र कांदी लगे यही तो महान महाभगवान विलक्षण चरित्र सान्निध्य संस्पर्श से जी आसे सदगुण तक आसीज जिते दुर्वासा जी से कहले देख दुर्वासा हे विप्रदे तमे जो आसीच मु तो स्वतंत्र नुहे अहम भक्त पराधीन हे स्वतंत्र दिज साधुगिरि ग्रस्त हृदय भक्ति भक्त जनप्रिय कहले जदिओ मत स्वतंत्र सराट रूप से समस्त शास्त्र निर्णीत कर परिघोषित कराई वेद किंतु वास्तव में मु स्वतंत्र नि पराधीन अहम भक्त पराधीन मु तो भक्त पराधीन शिव ब्रह्मा समस्त वर्ण कुबेर जिते जो लोक लोक समस्त लोकपाल समस्त मोरी किंकर समस्त अधीन मोरी से मोरी अधीनता स्वीकार कर पराधीनता स्वीकार कर तुमको जो प्रकार रक्षा करने समर्थ नती तदरूप हे विप्रदेव दुर्वासा मु भी मोर वर्तमान पाखे अधीन मु भी स्वाधीन नुहे मु भी पराधीन ये मुझे तुमको रक्षा कर ब्रह्मा शिव मोरी किंकर स्वाधीनता नहीं मोरी अधीन से तुमको रक्षा कर पारे नहीं मुझे भगवान अधीन मुझे भक्त मान अधीन ए तुमको रक्षा कर देख देख दुर्वासा मु भक्त मान के भल पाए
अरे दरकार पड़े मोर समस्त आनंद स्वरूप जो मुना मोर समस्त आनंद स्वरूप की भी भूली जाए मोर नित्य सरल ऐश्वर्य धिकार करे कहीं मोर भक्त मान ही मोर सर्वस्व समस्त अल्लादीन सार हूँ मोर भक्त भगवान जो चिदानंद आनंदमय विग्रह स्वरूप आनंद स्वरूप भगवान किंतु अल्लाह दिन का आनंद शक्ति सार हूँ मोर भक्त मान से भक्त मान मत आनंद प्रदान करती जो मान आनंद आल्लादित जो मान प्रीति में सब अनुप्राणित होमोदित हो आनंदित हो प्रकार भक्त मान को त्याग करें आउटे कथ देख मोर भक्त महिमा कि प्रकार अरे तुम तुम्हें जब कृत्या को अर्पण कर विनाश करने से निजी को सर्वसमर्थ ही से कम नहीं उपरिष सर्वसमर्थ ही दरकार पड़े से भी तुमको प्रतिशोध पुराण किसी नहीं पार था कि सर्वसमर्थ ही से निजर धर्म रु निजर पद रु निजर निज पदच्युत होना बर निजी को रक्षा करने से किसी व्यवस्था ही करना जदि से शशागार धरती सम्राट थे तथा से निजी को रक्षा करने किसी पदकेप नहीं था तुम्हें तुम्हें जो आत्माराम तुम्हें तो जो विराट वैराग्य जन विरक्त संत तुम्हें अरे तुम संसार से कि संबंध ही नहीं तथा तुम्हें निजी को रक्षा करने निजर भौतिक शरीर को हाड़ मांस चर्म अस्थि विशिष्ट ए शरीर को रक्षा करके तुम्हें जा ब्रह्मा को प्रार्थना कर शिव को प्रार्थना कर मत प्रार्थना कर अरे ये बुझीपार तुम भितर मोर भक्त भितर के तफा अमरीश तुम भितर वेर इज द डिफरेंस डिफरेंट कौन तुम देख इट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड ही यही हूँ मोर भक्त लक्षण जे सर्वस्व त्याग मो पे दे तार पुत्र गार आत्म प्राण गीत मीमं करम कहले जे सब किसी त्याग कर सरंग यादा कथन देखतम उच्चे अरे दुर्गस तुम्हें कह जे सर्वस्व त्याग कर मो पाक आन जन तार समस्त चाकरी वैभव संपत्ति गाड़ी स्त्री पुत्र समस्त जगत रबकि संबंध को डिस्कनेक्ट कर मो पाक आर्वांत मरीच समर्पित होती तार विपद सम्मुखें मुझे ढड़ा हेनी जो मुझे किक करी जब बाहर कर दी तार लोक मत भगवान कहे नहीं कथम तंग तंगतम अच्छे जे सबकि मो पाक छाड़ आंता छाड़ी तुम तो ज्ञानी ना दिव मो प्रसन्न अरे समाज रे गोटे कुकर भी कृतज्ञता परिचय दौर दीटा रुटी फोपाड़े से मालिक बिल्डिंग जो रात सारा कि तो भगवान जे सब किसी त्याग मो पारे पड़ रही मुझे कर तुम कौ चार रक्षा कर कथम तंग तंगतम अच्छे भगवान भक्त जो मान अभिमान सीना भक्त बोली से बुझी पार्टी भगवान तक कमी रखे प्रति पदे पदे जीवन प्रति पदे पदे प्रत्येक परिस्थित प्रत्येक मुहूर्त से भगवान को केन्द्र कर जीवन परिचालित होता है भगवान से चिंता करते हैं जो मैंने भगवान को भजन करती विचार जमाल हुए कि जो मैंने भगवान को भजन करती विचार तो सब भगवान करते यहाँ ही तफात भगवान भक्त अभक्त भितर नास्तिक पाखंडी जो मैंने धर्म दौर जो मैंने स्वसुख कामना रत इंद्रिय लालसा रत निजर संसार में जो व्यस्त बिव्रत तो फाइल जमा जीव आज्ञा कि भगवान पर चरणाश्रित सदगुरु आश्रित भगवत भजन जो मैंने कर फाइल जमराज भाग जीवनी जमराज स्वयं से ध्रुवजी कहले ए ध्रुवजी अनुमति दिखते आप डिपार्टमेंट छाड़ जाऊँच अंत मैं स्पर्श करेंगे भगवान भक्त मान भगवान ही विचार करते देख मई निर्बंध साधवा समदर्शन मई निर्बंध हृदय साधवा समदर्शन बसि गुर्वंती मां भक्त्या सत स्त्री सत्पति यथा सत्पति सती स्त्री जो प्रकार तार पति सती स्त्री जो प्रकार तार पति सब आसक्त ही था सब तारी सेवा निलिप्त सब निजुक्त थाए यही प्रकार मोरी चरणाशित भक्त मान सब सर्वांतकरण से आसक्ति चिती था मोरी पाखे मोरी कथा प्रति मोरी सेवा प्रति मोरी दर्शन प्रति मोरी प्रति से चित्त सब आवेशित आसक्त यही से मत हृदय बांधि आसक्त चित्त मोरी चरणाशित भक्त मान सती स्त्री सती पति पति मान प्रति जो प्रकार सुहागिनी सेवा परायण से प्रकार मोर भक्ति प्रति भक्त मान भी मोर प्रति से प्रकार यही प्रकार भक्त को किमती छाड़ से भक्त तो मो हृदय मो हृदय भावी साधव हृदय साधन हृदय मदान्य न जानते नहां ते मना
अरे जो भक्तान को निज हृदय भावुची जो भक्तने मत हृदय विचार कर तुम हृदय सदा गोविंद विश्राम जो मान हृदय गोविंद ही विश्राम कर जो मान को निज अंतकरण सब धारण कर प्रकार भक्तान केवल मत छाड़ी किसी जानते नहीं छा मु जानी पूरा डायरेक्ट कैलकुलेशन आई जो माने भगवान प्रकार संपर्क रखी दुनिया सहित कौन संपर्क जो मान ना भगवान सहित संपर्क रखती दुनिया सहित विचार करते दुनिया को विचार करने कल महाराज मैंने कहते हैं जो प्रकार संसार को जगत को देश को पालन करमेशन प्रकार पुलिस डिपार्टमेंट अच्छी राष्ट्रपति स्वयं एकमात्र थांती भगवान कर समस्त अनुचर अनुगामी मान को का इंद्र देवता का वरुण देवता का कुबेर देवता निजे संसार को परिचालना करके निजुक्ति करे निजे रस भितरे डुबिक अच्छा आनंद सिंधु मध्य तव भाषा निजे निजे रस भितर जी आनंद था भगवान केवल से लालायित आसक्त जो मैंने समर्पित होता हे दुर्वासा से प्रकार भक्त मान मरी हृदय मुझे हृदय से छाड़ी किसी जाने मत छाड़ी किसी भी जानते यही हम साधु लक्षण आएगा वास्तव में साधु से करी कौन बोले देख मुझे उपाय कह कौन उपाय जो महाभाव अच्छा अपराध कर स्थिति कौन अरे जो मुहूर्त तुम दीर्घ दिन धरी दीर्घ समय धरी जो भटक छो आज पर्यटन लोक लोकांतर ग्रह ग्रहांतर धरी विभिन्न विशेष मोर पाखे पहुंच आज पर्यटन से मुहूर्त से अंगे से दंडायमान होती देख ताकि कि प्रकार धर्म जेहेतु से तमरी चंद्र अपराध कर आत्मज्ञान से अंतकरण से दुख अनुभव करमें जाओ तांकरी चंद्र अपराध कर क्षमा माग जदि से चाहिए सी क्षमा कर देखो आज्ञा भगवान अपराध करुचे भगवान नाम सामर्थ्य अच्छे अपराध दूर करदे हरिस्थान अपराध तारे हरिना तमास्तान अपराध नाई कड़ान ए प्रकार महाभागवत महानुभव संत शिरोमणि पाखे अपराध देखिए कौन सी रास्ता ना आज्ञा पूर्व महाराज जी कहते अपराध बहुत बड़ खतरनाक चीज अपराध एते दिन से सबकि नष्ट हंति निंदंती वैदेशी वैष्णव अभिनंदती हसन्न जाति पततान छ प्रकार पतन कारण कहला वैष्णव देखी हस वैष्णव हत्या करिया वैष्णव निंदा करिया वैष्णव देश करिया देखी मुड़ दवा देखी हस हबनी प्रफुल्लत न हम वैष्णव देखिया प्रणति करदयर बंधु जानी ए प्रकार विचार ने बंद करदे वैष्णव देखी मुह मुड़ा रोष करा हत्या करा उद्वेग देवा से गले पश्चातापन न कर अनुगमन न करवा पतन रण जी तो बहुत उच्च कथा सब प्राक्टिकली दरकार उपदेश द्वारा ना तथा प्रशंसा मुझे महाराज बहुत सुंदर कथा कह प्रकार आम भजन करने देख महाराज ठाकुर जी कह देख तुम तुम्हें जाओ से अमरीश सिंह पाख दुर्वास से खिन्न मनरे विषन्न मनरे जा भगवान भी देखे भगवान का गेट भी बंद हो गया यहाँ बड़े कथा जे कि सुप्रीम अलमाइट कहे से फाइल कम गलानी शेष आसने वैष्णव अनुभव देखो मार्ग हूँ यहाँ भगवान पाक जीप मार्ग भगवान पाक जाई फेर बीचरा भगवान पाक जीप मार्ग साधु मान वैष्णव मान्यम सदगुरु मान कृपा यही द्वार भगवान भगवान जी प्रभुपाद कहते कर्ण द्वारा साधु मान अंतकरण निश्चित वीरजीवती अनुभवी कथा जो कर्ण को प्रवेश कर जीवन में परिपालन करा से सत्संग रूपक हरिकथा श्रवण फल स्वरूप से भग सान्निध्य लाभ कर सामर्थ्यवान हो पारे दुर्वासा जी अमरीश पाखु अमरीश चरण दंडत करने जाती अमरीश महाभाग से कहे महाराज जी आप महान तपस्वी तेजस्वी ब्रह्मण्य देव आप अमरी कुल देवता मरीशा दंड मुही अपराधी मुझे अपराधी अभिमानी मुझे सत्कार कर सेवे अवहेला क्षमा करते महाराज कि करनी हे वैष्णव शिरोमणि आज मुझे देखी पाली वैष्णव तेज कौन वैष्णव तेज कौन मुझे बहुत अभिमान करी बहुत बड़ तपस्वी बहुत बड़ तेजस्वी बहुत बड़ी
किंतु जेमान भगवान का भजन करती हरिनाम करती से तार प्रभाव करते पूर्व महा बाबा महाराज कहते जो भी देव जो सब देख रहे सब हरिनाम का वैभव है सब भजन का प्रभाव से गोलोक प्रकृत धाम से अध्यक्ष वस्तुकर जो भगवत नाम अभिन्न नाम कहला नाम नाम से नाम सदगुरुदेव आम जो अहितिक प्रदान कर दुर्भाग मान दुर्देव आम से भगवत नाम प्रति आम अवहेला करे तार मूल्य को बुझी पारने अंध देशे बोली दर्पण बिकी कंध हस्त देली प्रदान टेकी एक प्रकार आम अर्वाचीन अधम मान को गुरुवर्ग कृपा वस्तु दे गोलोक प्राकृत बहुमूल्य दुर्लभ वस्तु भगवत नाम दान किंतु से दान फ्री मिले तो फ्री अफ कॉस्ट वी आर गेटिंग दिस से तार मूल्य बुझी पारने किंतु जी बुझी जहाँ प्रति सदगुरु को कृपा अच्छी जो मान प्रति वैष्णव आशीर्वाद अच्छी जो मैंने भगवान को जीवन सर्वस्वी मन में संकल्प कर तुम्हें तो अमार आम तो तुमार किटा चपर धने भक्ति ठाकुर घर जी विचार कर भगवान तुम्हें मोर मु तुमर आ कार्य से तुम संबंध नाई ए संबंध अनित्य आज्ञा बढ़े दिन ये प्रकार विचार जन उपनीत से बुझीपारे भजन रहस्य कह कहुए जे तो अमरीश महाराज कहले अरे महाराज जी क्षमा करते ये कहले दुर्वासी कहले लज्जित कहीं बुझीपाली आप वैष्णव तेज आप भगवान हरिभजन चमत्कार कते से सामर्थ्य कले आतिथ्य स्वीकार कले आप्यायत कले चरण प्रख्यान कले सेवा कले शुश्रूषा कले कृपा प्रार्थना ने से अमरीश भी बहुत आशीर्वाद कर दुर्वासा जी अमरीश महाराज एक प्रकार चरित्र आओ कौन कह बहुत किसी कहली समय भी अतिक्रांत महाराज अपराध क्षमा जय जय गुरु गौरांग गंधर हरिजी आकर्म चैतन्य अभिन्न गुरु महाराज के जय जय श्री महाप्रथम नवदीप धाम की जय जय पुरुषोत्तम धाम नीलाचल धाम की वृंदावन धाम की जय जय अनंत गुरु विष्णु बिंद की जय हरिनाम संकीर्तन की जय हरिनाम प्रभु की जय गौर प्रेमानंदे हरि श्री गुरु चरण में अनंत श्री गुरु चरण में अनंत धन्यवाद नीति ज्ञापन करते हुए अभिन्न गुरु पाद पद्म दृष्ट विजय शिक्षा सुशील भक्ति वैभव प्रभु सिंह भारत की चरण कमल में साष्टांग धन्यवाद नीति ज्ञापन करते हुए इस मिशन के वर्तमान आचार्य श्री विष्णु महाराज जी का चरण में दंडवत नीति ज्ञापन करते हुए सभा का सभापति महाराज अन्य तिरंगीपात्र शक्ति मंडली नाथ मंडली सभी को यथायोग्य अभिवादन करके आज की शुभ अवसर पर भागवत कथा कीर्तन की चर्चा के माध्यम सत्संग के लाभ उठाने का प्रयत्न लेकर मैं आया हूँ। बस इतना ही। वंदे गुरुपद दंदन भक्तबिंद समन्वित श्री चैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंद सहोदय
भक्ति प्रमदा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद गदाधर सरस्वती गौरभक्त हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम राम हरे वागीसजस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च रक्षसि यस्यास्ति हृदि संवेः त्वं नृसिंह हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे निवृत्त तरसई रूप भवौषधाक्षत मनोधीरा कौतम श्लोक गुना मुला विरामेत विना पशु श्रीशील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर को उपाधि ने बताए प्रापंचिक बुद्धि लेकर अपराकृत वैचित्रों में दोषारोप करने जाना ये निर्विद्धिता का लक्षण है, निर्बोध का लक्षण है। गौरी अवस्थीपति श्रीशील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर को उपाधि ने बताए प्रापंचिक बुद्धि लेकर अप्राकृत वैचित्रों में दोषारोप करने जाना ये निर्बोध का लक्षण है, निर्बुद्धिता का लक्षण है। परम चेतन वस्तु का साथ अगर हम संबंध जोड़ना चाहें तो हमको भी परिपूर्ण चेतन अवस्था को प्राप्त करना ही है। अचेतन अवस्था अर्धचेतन अवस्था मुकुलित चेतन अवस्था में अप्राकृत जगत का जो चिन्मय विषय ये हृदय में अनुभव होता नहीं, असंभव है। पूर्ण चेतन वस्तु परात्पर अखिलेश्वर भगवान का बारे में कुछ बोलने जाओ कि समझने जाओ तो उसका पहले पूर्ण चेतन वस्तु को जानने का पहले हमको उस अवस्था में उन्नीत होना चाहिए, नहीं तो संभव होता नहीं। यत्रोत्तम श्लोक गुणान वादः प्रस्तुयते ब्रह्म कथा विघातः निषिद्यमानं मनोदीनं मुमुक्षुर मोतिं सतिं यच्छति वासुदेव। दैट इज द एक्सीलेंसी ऑफ हरिभजन। यत्रोत्तम श्लोक गुणान वादः यहां उत्तम श्लोक भगवान की गुणानुवाद गुण कीर्तन होता है। यत्रोत्तम श्लोक गुण उत्तम श्लोक गुणानुवाद प्रस्तुयते
यहाँ संत महात्मा कंठार बिंद से विगलित अमृतमय हरिकथा का प्रवाह चल रहा है। उस जगह कभी भी ग्राम कथा का कोई पोजीशन नहीं रहता। मेटेरियल पीपल कैन नॉट गेट चांस टू स्पीक एनी मेटेरियल थिंग। हरिकथा जब चल रहा है आंख का माटी, उस समय जितना सारे ग्राम्य कथा है वो तो कोलाइट करता है। अप्राकृत जगत का कथा प्राकृत जगत का कथा को धक्का देते हैं। अपना स्वयं सराट भूमिका में हर वक्त सर्व ब्रह्म है। अनंत पारं किल सर्व शास्त्र है। उत्तम श्लोक भगवान, उत्तम श्लोक भगवान का ही पदवी है। इसका व्याख्या में गुरुवर्ग ने बताया, उद्गतो तमो यस्मात् स उत्तमः, उद्गतो तमो यस्मात् स उत्तमः। जहां से रजतम गुण की कोई गंदगी भी नहीं है उसका नाम है उत्तम श्लोक। कोई जगत का कोई भी आदमी ये सोच नहीं सकता कि क्या इसमें क्या रखा क्या है। रजतम गुण का गंदगी भी नहीं है, शुद्ध सत्वमय अवस्था, इसको उत्तम श्लोक बोला जाता है। उद्गतो तमो यस्मात् स उत्तमः। और एक व्याख्या गुरुवर्ग ने करते सुने हैं, उत्तमई श्लोकते इति उत्तम श्लोक। उत्तम कोई ऐसी बात जो साधु संत महात्मा का मुखारविंद से जिसका गुणगान अनर्गल प्रवाहित होते रहते हैं वही तो उत्तम श्लोक, उसी का नाम उत्तम श्लोक भगवान है। यत्तम श्लोक गुणानुवाद, जहां उत्तम श्लोक भगवान की गुणानुवाद गुण कीर्तन चल रहा है, यत्तम श्लोक गुणानुवाद प्रस्तुयते ग्राम्य कथा विदाता, उसमें ग्राम्य कथा का कोई पोजीशन नहीं रहता, हट जाता है। ग्राम्य कथा विदाता अनिश्रव्यमान, वो कथा का अमृत पान करते करते नशा हो जाता है। महाराज ये जल संसार का जो आनंद है उसमें डुबकी लगाओ तो मर जाओ। ये जल संसार का जो मौज है, जो आनंद है, जो रनक है, उसमें जो उलझ जाता है वो कुछ नहीं हो, वो डूब जाए। जड़ जगत का सागर या जड़ जगत का आनंद की सागर, उसमें डूब जाओ तो मर जाओ। लेकिन कथा का अमृत लहरी का जो सागर बहते बहती रहते उसमें डुबकी लगाओ तो ठिकाना में पहुंच जाओ, पहुंच जाओगे भगवान के पास, तैर जाओगे, उसमें डूब जाओगे, उसमें डूब जाओगे, इसमें तैर जाओगे, कोई असुविधा नहीं। ये श्रील परीक्षित महाराज जैसा महाभागवत ये तमाम दुनिया का तरफ से लाइफ ऑन रिप्रेजेंटेटिव एक प्रतिनिधि का रूप श्रील सुखदेव गोस्वामी परमहंस कुलचरमणि श्रेष्ठ इनके चरण में एक प्रश्न किए, जिस प्रश्न का कुछ अनुभव हमारा दिल में उतारे तो हमारा संसार का भूत भग जाए, हमारा दिमाग से संसार का भूत भग जाए।
यही प्रश्न जो है, ये प्रश्न इंटरनेशनल क्वेश्चन परीक्षित महाराज का जो प्रश्न है भागवत शुरुआत का पहले, ये कोई ऑर्डिनरी क्वेश्चन नहीं है, साधारण कोई पूछताछ नहीं है, इट्स एन इंटरनेशनल क्वेश्चन। गुरुवर्गों ने बताया जो क्वेश्चन, जो प्रश्न परीक्षित महाराज ने रख दिया गुरुदेव सुखदेव गोस्वामी के सामने, दुनिया का आदमी का हृदय का अंदर ये प्रश्नों का उत्थापन होना चाहिए, जिसके कारण वेदांतों का पहला पाद नहीं शुरुआत में अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। और श्री चैतन्य चरितामृत का भाषा में जहां श्रीमन महाप्रभु और सनातन का संवाद शिक्षा विषय है, वहां सनातन जी ने सरल रूप से प्रश्न किया, परात्पर अखिलेश्वर साक्षात स्वयं जो भगवान जो कि कृष्ण ही है, वो श्री कृष्ण चैतन्य का नाम पे उपस्थित, के आने कहने मोरे जाने का पुत्र, यहां नहीं जाने कोई क्यों मोरे, इसी को बोलता है प्रश्न। परीक्षित महाराज ने प्रश्न लग दिया था, हम दसम स्कंद का थोड़ा इंट्रोडक्शन बताना चाहे, स्टिल इस विषय में अगर थोड़ा बहुत झांकी लगाए तो कुछ मसला आ सकता है, विशेष कोई विषय अनुभव का विषय सामने प्रकट हो सकता। अथो पृच्छामि संसिद्धि योगिनां परम पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमानस्य सर्वथा। अथो पृच्छामि संसिद्धि योगिनां परम गुरु पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमानस्य सर्वथा। यही हमारा तमाम समाज का तरफ से, तमाम ये जो जनवसती है दुनिया का तरफ से यही क्वेश्चन आना चाहिए था, दैट इज द एक्चुअल क्वेश्चन दैट कैन सॉल्व आवर प्रॉब्लम, टोटल समाधान आ सकता है। अनंत ब्रह्मांडों का जितना सारे समस्या है, जितना सारे प्रॉब्लम है, सारी समस्या का समाधान ये प्रश्न का अंदर नहीं छुपा हुआ है। समस्या का जड़, समस्या का जो जड़ है वो उखाड़ के फेंकने वाला है ये प्रश्न, जड़ से उखाड़ के फेंक रहे। बोले महाराज ये जो मरणशील आदमी है, सब मरने के लिए बैठे हुए, सब वी आर वेटिंग फॉर द डेथ, मौत बोल के एक चीज है उसको ही भूल जाते हो, दैट इज योर मेन डिजीज। तुम लोगों का अंदर में सबसे बड़ा बीमारी तो ये है जो मौत बोल के एक चीज है इसको ही याद नहीं रख सकते, ये भूल जाते हैं। बोले महाराज हम तो जाने, मौत है लेकिन ये जाना जानना नहीं है, अंतर से अनुभव करना कि हमको जाना ही है, आज नहीं तो कल। योगी परीक्षित महाराज के हृदय में ये अनुभव साक्षात रूप में प्रकट भए। परीक्षित महाराज सोचे कि महाराज 7 दिन का अंदर जब हमको जाना ही है तो दुनियादारी का चक्कर से छुटकारा लेकर बस गंगा जी का किनारे में भागवत कथा सुनने के लिए बैठ,
पाय प्रवेश। और मरणशील आदमी के लिए महाराज ये बताओ कि क्या साधन करना चाहिए, जिस साधन का ऊपर और कुछ नहीं है, ऐसा कुछ बताओ, ऐसा कुछ बताओ महाराज, जो कि ये दो दिन का जिंदगी मेरा सफल हो जाए। यत्रोत्तम श्लोक गुणानवा, ये तो श्लोक बताया पहले। यहां जो हरि कथा में जिसका मन नहीं है, हरि कथा में जिसका लगन नहीं लगता है, भागवत जी महापुराण में इसको पशु बतलाया है। पशु, दे आर नॉन डिफरेंट फ्रॉम बीस्ट, पशु के बराबर है। अथो पृच्छा में संसिद्धि योगी नाम परम गुरु, जितना सारे संत महात्मा उधार पधारे, वैशिष्ट्यो भरतराज भौम पराशर जितना सारे हैं, जितना सारे उधार पधारे, जितना सारे ऋषि मणि, उन ऋषियों में सबसे बड़ा सम्मान है श्री परीक्षित सुखदेव गोस्वामी जी महाराज। ये भागवत का सिद्धांत है, कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, जिस किस्म का ही योग है, ये संत महात्मा पधारे हुए संत महात्मा एक एक किस्म का भजन का विषय लेके चर्चा करता है, चर्चा करने वाला। और उन योगियों में सबसे अनोखा है परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी जी, जिसे वह योगी नाम परम गुरु। पुरुषों से हो या कार्य नियमानस सर्वथा, पुरुष के लिए कौन सी साधन ऐसा है जो मियमानस सर्वथा, मरणशील आदमी के लिए हर हालत में करना चाहिए, वो कौन सी साधन है। और ये जो पुरुष है बताया, जो श्रोतियो वाणी छोड़कर अपना मनमानी व्याख्या करता है, इन लोगों के लिए ये जो पुरुषोश्व सर्वदा, ये पुरुष का अर्थ होता है मतलब हम तो पुरुष है, पुरुष लोगों के लिए ही ये भजन है, स्त्री लोगों के लिए नहीं, ऐसा उल्टा व्याख्या करता है। लेकिन यहाँ जो ये पुरुष शब्दों का प्रयोग है, यही कारण के लिए प्रयोग नहीं है। पुरुष शब्दों का व्याख्या क्या है, भले जो जितना सारे जीवात्मा है पूर्व में शरीर में रह रहे हैं, जो शरीर का अंदर जिसका बसती है, जिसमें परमात्मा का भी बसती है, जीवात्मा का भी बसती है, पूरे देहे वसती इति पुरुषः, पूरे अर्थात ये शरीर का अंदर जो वस्ती किया जीवात्मा और परमात्मा ये अंदर में है, जीवात्मा परमात्मा दोनों, ये मंदिर की बराबर है। तुम्हारा ये शरीर जो है नॉट फॉर मटेरियल एंजॉयमेंट लाइक दिस, पशु को लिए ये शरीर तो भोगने का चीज है, खाओ पियो जियो एंजॉय योरसेल्फ, लेकिन भजन की मार्ग पर चलो, सदगुरु का सहारा ले लो, जिंदगी का एक दूसरा अर्थ आ जाएगा, सब आनंदमय भगवान का भजन करो। वेदांत में जिनके बारे में हम पहला दिन बता था, व्याख्या नहीं कर पाया समय की अभाव के कारण, आनंदमय अभ्यासा, ये आनंदमय भगवान का अभ्यास करो, अनुशीलन करो। बोले ये कैसा चीज है महाराज, आनंदमय का अनुशीलन किया जाता, हाँ आनंदमय का अनुशीलन करो, जड़ जगत का आनंद का अनुशीलन मत करो, फांसी का फंदा बन जाएगा, फांसी का फंदा बन जाएगा। और जब इनका कहानी सुने हो
और हमारा प्यारा महाराज जो अभी बता के गया कितना सुंदर अनुभव की बात, कितना सुंदर अनुभव की कथा। और पूरे देहे वसती की गुणशः अर्थात शरीर के अंदर बसे हुए जो जीवात्मा है सब ये स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं है, कोई भी हो भजन कर लो भजन करो। और इसका उत्तर परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी एक श्लोक के द्वारा सुंदर दिया, बहुत सुंदर भागवत का 18,000 श्लोक। जब एकदम भागवत का अंतिम श्लोक जो है ये तो हम बताएंगे, लेकिन परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी सुंदर उत्तर दिए। सुंदर बताए, नाथो पिछा में संसिद्धिम जोगिनाम परम गुरु पुरुषो से सर्वता। इसका उत्तर में सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को सुनाए, अनोखा बात सुनने लायक है, जिंदगी भर याद रखने का चीज है। एताद निवृत्त माननम मिच्छताम कुतो भयम् जोगिनाम निपनिर्मितम् हरिर्नामानिकेतनम्। एताद निवृत्त माननम मिच्छताम कुतो भयम् जोगिनाम निपनिर्मितम् हरिर्नामानिकेतनम्। महाराज जितना सारे पहुंचे हुए संत महात्मा हैं भगवान का सेवा में जो उपस्थित है, सबका एक ही निर्णय है, एक ही निर्णय है, जो भगवान का सेवा को अपनाया है ऐसा किसी का संत सबका सिद्धांत एक है। एतद् निवृत्त माननम् इच्छताम इच्छताम कुतो भयम्। अगर मरने का डर से पूरा बचना चाहो, मरने का डर से आप पूरा बचना चाहो तो एक ही रास्ता है, एतद् निवृत्त माननम् मिच्छताम अकुतो भयम्। अकुतो भय, भय बोलते जो चीज है ही नहीं, ऐसा अगर स्थिति तुम्हारा जिंदगी में लाना चाहो तो एक काम करो, एतद् निवृत्त माननम् मिच्छताम अकुतो भयम् योगिनाम निपनिर्मितम् हरिर्नामानुकीर्तनम्। भगवान का गुणगान करते चलो, भगवान का कथा सुनते चलो, बस हो जाएगा। इतना सरल साधन का पंथा कौन बताएगा, परीक्षित महाराज को जो सुखदेव गोस्वामी जी ने बताया इतना सरल साधन, बस बैठो और कथा सुनते रहो, बस पार हो जाओ। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम जितना सारे नवविधा भक्ति का अंग है उसमें पहला अंग है श्रवणम, उसके बाद कीर्तन। अगर श्रवण भक्ति का अंग का जाजन नहीं किए हो तो कीर्तन का लायक आप नहीं बनोगे। श्रवण करते चलो, महाभागवत वैष्णवों का मुख विगलित जो अमृतमय वाणी का वर्षा वो पान करते चलो, उसी में सारे सुविधा हो जाएगा, सारे समस्या का समाधान हो जाएगा, कोई समस्या नहीं रहेगा। इसी का बारे में ही हमने बताया, इसी का बारे में ही बताया। और भागवत का 18,000 श्लोकों का अंतिम श्लोक जो है वो ध्यान पे रखो तो सारे देव देवता का पूजन, सारे तंत्र मंत्र षडयंत्र का जो प्रयास प्रचेष्टा में हर वक्त लगे हुए हो ये सब चीज का भूत जो है ये सब उतर गया, कुछ नहीं रह गया, कुछ नहीं रह गया। ये चैतन्य चरितामृत का सिद्धांत है। भगवान श्री कृष्ण ने खुद बताए
গোপীগণ মান করি করে ভসন বেদস্তুতি হইতেও হরে মর্ম। যা গোপীয় ব্রজবাসীয় নে হমকো গালি দেতা হে তরি কি কৃষ্ণ বলতে ইয়ে মেরে কো বহুত মজা লাগতা হে। अब वेद का स्तुति ओम बोल के साथ वेद का स्तुति हो रहा है। भगवान बोलते इससे अच्छा वेद का जो ऋचा है इससे भी अच्छा लगता है। ब्रजवासियों ने जितने गाली दे मेरे को गोपियों ने गाली दे दत्त तेरी की बात हमको अच्छा लगता है। देखो जगन्नाथपुरी में जाओ पंडालों कितना गाली देता है जगन्नाथ को माँ मासी सब लेके गाली देते जगन्नाथ यही मेरा मन इसी में मेरा मजा है। ये सब अनुभव करने का चीज है। ये सब अनुभव में उतारे तो पागल हो जाओगे क्या कौन श्री कृष्ण भगवान है। श्री कृष्ण भगवान कौन है 18,000 श्लोक का अंतिम श्लोक नाम संकीर्तनम यस्तु सर्व पाप विनाशनम प्रणाम दुख शमनम तंग नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्तु सर्व पाप विनाशनम प्रणाम दुख शमनम तंग नमामि हरिं परम। उसी परम देवता पर देवता गोपाल तापनी उपनिषद सारे वेद वेदांतों का जितना सारे निर्णय है भागवत के निर्णय है सब में एक ही सिद्धांत है पर देवता भगवान परात पर अखिलेश्वर इनके भजन करो इनके संतुष्टि विधान का व्यवस्था करो। श्रील प्रभुपाद जी ने बताते थे जो अपना इच्छा को भगवान का इच्छा का सब मिला सकोगे तो यू कैन बिकम वेरी हैप्पी। अपना इच्छा जो है भगवान का इच्छा का साथ मिलाना यही संतों का काम है। भगवान का जो इच्छा है संत महात्माओं का जो इच्छा है ये उसमें फर्क नहीं है। भगवान का इच्छा का ही प्रतिफलन होता है। संत महात्मा का जो क्रियाकलाप उठना बैठना सिद्धांतों के द्वारा दूसरा कोई विषय है नहीं। भगवान का इच्छा के साथ अपना इच्छा मिलाना ही भजन है। अपना स्वतंत्रता का विसर्जन देकर भगवान का गुणगान करते चलो और जितना सारे दुख की बीमारी है सारे खत्म हो जाए। यहाँ तक कि भागवत का शुरुआत में जब कथा शुरू होते जा रहा है परीक्षित महाराज जी को सुखदेव गोस्वामी जी ने एक तो बड़ा सा चुनौती दिया। इतना बड़ा चुनौती दिया देखो राजन तुम चिंतन करो हर वक्त ये चिंतन करो तो तुम मर जाओगे अभी मर जाओगे चिंतन करो हर वक्त चिंतन कर मर जाओगे। तम तू मरीष्य इति अचिंतयो तुम मर जाओगे राजन तुम मर जाओगे ये चिंतन करो। तुम्हारा अंदर में भी ये अगर भावना आ जाए तो भगवान का कथा कीर्तन छोड़कर किसी चीज में मन नहीं लगेगा। ना कोई लड़की का ओर नजर जाए ना तो लड़का का ओर नजर जाए ना तो धन दौलत दौलत का ओर ना तो अच्छा खाना कुछ नहीं मजा लगेगा। जिसका डेथ सेंटेंस हो गया सुबह को 5:18 पर उसको फांसी का फंदा में चढ़ाया जाएगा। ही इज ऑलरेडी हैविंग दैट डेथ सेंटेंस मौत की जो सेंटेंस है जिसको अदालत से मिला है उसको अगर पूछा जाए कि महाराज कौन सी चीज आपको अच्छा लगे बताओ अंतिम घड़ी पे वो पूर्ति करने के लिए आया है आपको पूछने के लिए क्या खाना अच्छा लगे क्या पहनना अच्छा लगे क्या अच्छा लगे अब सोचो वो क्या बताएगा जो इंतजार में है हमारा फांसी होने जा रहा है। आप 2-4 घंटा है
अब उस टाइम पे उसको पूछा जाए महाराज आपका आखिरी जो इच्छा ख्वाहिश है ये बताओ क्या बताएगा, वो तो रोते रहेगा महाराज क्या इच्छा है। यही इसी अनुभव को अपना जिंदगी में लाओ। इफ यू कैन हैव दैट डायरेक्ट फीलिंग इन योर हार्ट तो आपका सारे समस्या समाधान हो जाएगा, सारे समस्या। अभी कुछ देर पहले देखो अम्बरीश महाराज का कहानी बता रहा, सिर्फ अम्बरीश महाराज नहीं, अम्बरीश महाराज, ध्रुवो महाराज, उल्लाद महाराज, जितना सारे महापुरुष देखो ये सब क्या है, उन लोगों का जिंदगी में जनक महाराज, पृथ्वी महाराज, ये सब के सब बस भगवान से लगन लगा कर बैठा हुआ है। चाहे देखो बार बार बताया गया प्रहलाद महाराज, गुरु महाराज बोले हमको राजगद्दी नहीं चाहिए, भगवान बोला मेरे इच्छा तुमको बैठना पड़ेगा, तुमको बैठना पड़ेगा राजगद्दी पे, ये मेरा इच्छा है, हम जाने तुम्हारा कोई जरूरत नहीं है। भक्ति अगर महाराज किसी को एक बूंद मिल गया, एक बूंद भक्ति किसी को मिल गया तो कित कितार तो हो जाए। मई भक्ति ही भूतानाम अमृतत्वाय कल्पते, ये दशम स्कंद का विशेष मूल है, दशम स्कंद का निचोड़ है। मई भक्ति ही भूतानाम अमृतत्वाय कल्पते, अमृत प्राप्त करना चाहो तो भगवान का भजन करो, भगवान का कीर्तन करो, ये सब नविदा भक्ति है, ये करो और देखो क्या समाधान निकलता है, कितना सुंदर समाधान है। ये सब महाजन दास जितना सारे महाजन है सबका जिंदगी देखो, अम्बरीश महाराज कितना पहुंचा हुआ, जिसका चरण में दुर्वासा मुनि को झुकना पड़ा, कितना बड़ा महात्मा है वो अम्बरीश महाराज जी। सप्तदीप अधिपति, सप्तदीप का अधिपति है लेकिन बिल्कुल कोई अभिमान नहीं है अंदर, बिल्कुल भी कोई अभिमान नहीं है। भगवान श्री कृष्ण का यह निर्णय है अगर भक्ति रूप अमृत आपका जिंदगी में प्राप्त कर सको, भगवान बोला ठीक है यही अमृत है, ये अमृत प्राप्त करने का बाद आपका जिंदगी में मौत बोल के कोई चीज नहीं रह सकता। जो कि भागवत कथा का शुरुआत में बताए गुरुजी एक चुनौत दिया परीक्षित, तम तु मरीषे अचिंत, तुम मर जाओगे चिंतन करो हर वक्त हर घड़ी एवरी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। और जब 18,000 श्लोक भागवत का समाप्ति भए, जब गुरु जी आशीर्वाद करके गए तो आशीर्वाद वाणी में ये आशीर्वाद करके गए, आशीर्वाद देके गए और आशीर्वाद देने का समय में सुखदेव गोस्वामी जी ये बताए गए तो देखो तम तुमरिष्ये पशु बुद्धि इमं जहि, भागवत का शुरुआत में बताए तम तुमरिष्ये तुम मर जाओगे चिंतन करो, 18,000 भागवत का श्लोक का प्रवचन होने का बाद सुखदेव गोस्वामी जी का कहना है राजन तम तुमरिष्ये पशु बुद्धि में मन जहि, तुम मर जाओगे ये पशु बुद्धि है इसको छोड़ो, इसको काट के फेंक दो। अरे महाराज आप ही नहीं तो बताया था, पर हम बताया था, वो कब बताया था, जब भागवत कथा नहीं सुने हो, और जब भागवत कथा सुने हो तो सुनने का बाद ये जो सिद्धांत यही है तुम्हारा मां मौत बोल के कोई चीज तुम्हारा जिंदगी में नहीं दे सकता। ये गुरु जी है, ये शिष्य है, परीक्षित होकर हरि कथा सुनने का प्रयत्न करो, परीक्षित ही इज ऑलरेडी टेस्टेड, परीक्षित में परीक्षित ये शब्दों का अंग्रेजी में अनुवाद करो ही इज टेस्टेड, गुरु वैष्णव के सामने जो परीक्षित हो गया टेस्टेड जो उतर गया परीक्षा में वो परीक्षित है, और परीक्षित बन के हरि कथा सुनने बैठो तो वो फल मिलेगा।
बिना परीक्षित किसी ने अगर हरिकथा सुनने भेजे बैठे तो थोड़ा बहुत फल तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन परीक्षित होकर सुनो तो असली फल मिले। ये बोलता है गुरु जी, ये शिष्य है, जो शिष्य का प्रश्नों को इतना बढ़ावा दिया, आहा बरिया ने सोचे प्रश्न कि तो लोक हित तो निपह आत्मविद सम्मता पुंसाम सुतोप्यादि सुजा पर, आहा तुमने क्या अनोखा प्रश्न किया, तुम्हारा प्रश्नों का सलामत है। गुरुजी बोल रहे हैं, अरे परीक्षित राजन, तुम्हारा जो प्रश्न है ये प्रश्नों का हम सलामत करें। आहा क्या प्रश्न, यही तो होना चाहिए, यही तो प्रश्न होना चाहिए। अगर शिष्य है अपना जितना सारे धन दौलत जीवन जौवन सब कुछ अगर गुरु जी का चरण में समर्पित किया हुआ ऐसा कोई आत्मा है तो यही ये प्रश्न कर सकता है। यही ये प्रश्न कोई समाज का आदमी नहीं कर सकता, ये परीक्षित के लिए ही संभव है। बरिया ने सोचे प्रश्न कि तो लोग ही तो निभा, तुमने जो प्रश्न किया है राजन, ये प्रश्न के द्वारा तमाम दुनिया का आदमी लाभ उठा सकता है, क्योंकि तुम्हारा ये क्वेश्चन है, ये प्रश्न है, इसके द्वारा जो भगवत प्रेरणा के द्वारा उद्बुद्ध होकर हमको जो हमारा जवान से जो उत्तर निकालेगा वही तो विगलित हरिकथा मतलब यही तो सुनने का लायक है। दुनिया का जितना सारे आदमी है, जितना सारे समाज का सारे आदमी का ये समाधान हो जाएगा। यही प्रश्न किया बरिया ने सत्य प्रश्न कितो लोक हित निपह आत्मविद सन्मत पंसाम स्वतोवादी सुजा पर। हमने तो भागवत कथा बोलने बैठे नहीं, भागवत का दसवें स्कंध का थोड़ा इंट्रोडक्शन हम देने के लिए बैठे हैं और वो श्लोक का थोड़ा उच्चारण करके ही आज का वाणी का विश्राम देंगे, क्योंकि आप लोगों का समय सीमित है, प्रसाद का भी व्यवस्था है बहुत। वह ये जो श्लोक बताया था हमने शुरुआत में, यत्रोत्तम श्लोक गुणानुवाद प्रस्तुयते ग्राम्य कथा विजाता निषेव्यमान मनोदीनम मुमुक्षु मतिम सतिम यच्छति वासुदेवे। यही बोल के वाणी का विश्राम देना चाहूं। आप सभी का कृपा आशीर्वाद प्रार्थना करते हुए वाणी का विश्राम दे रहा हूं। वांछा कल्पति रुवस्य कृपा सिंधु वेवच पतितानं पावन भ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।